को वाणी चल रही थी 21 मार्च 1967 की, तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी योग से ही विकर्म विनाश होते हैं और हम सत्व प्रधान बन सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। योग की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। मन ड्रामा कहकर के शांत हो जाते हैं, फिर भी कारण बताया जाता है कि योग की कमी थी इसलिए कमजोरी आई, नहीं तो चाहे बीमारी हो चाहे कोई समस्या हो, सर्कमस्टांसेस हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कमजोरी नहीं आ सकती। अगर योग में मजबूती है तो जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है ना, तो पूर्वजन्मों के हिसाब के अनुसार ऐसा पार्ट बन जाता है, जैसे मम्मा का पार्ट बन गया, बाबा का पार्ट बन गया। मम्मा ज्ञान में बहुत तीखी थी, फिर भी पूर्वजन्मों का कोई ऐसा हिसाब आया जो कैंसर से शरीर छोड़ना पड़ा। और ब्रह्मा बाबा को भी क्या हुआ, हार्ट अटैक हुआ और अचानक शरीर छोड़ना पड़ा। नहीं तो बाबा कहते हैं योग बल वाले का कभी भी हार्ट फेल हो नहीं सकता। तो सिर पर कोई बोझा था पूर्वजन्म का जो ऐसा पार्ट बन गया। यूं तो हम समझते थे कि अंत तक मम्मा रहेगी, क्या अंतिम मुरली में बोला, क्या बोला था अंतिम तक कि अंत तक मम्मा रहेगी, भल बाबा चले जाएंगे। परंतु ड्रामा में ही कुछ और था, और की और है भाई, योग की कमी बहुतों में है। योग की कमी होगी तो क्या होगा कि अंत में जो विजय होनी चाहिए वो विजय इन आंखों से नहीं देख सकेंगे। अभी हार जीत का खेल चल रहा है, फाइनल परीक्षा अभी किसी की हुई नहीं है। फाइनल परीक्षाएं होंगी तो जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। कलयुग का अंत और नई दुनिया की शुरुआत, जिसने इन आंखों से देखी वो विजयी कहे जाएंगे और बाकी पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण सतयुग त्रेता में आ गएंगे तो, लेकिन कम जन्म लेंगे, कम कलाओं वाले ब्राह्मण बनेंगे, परम धाम से बाद में आवेंगे। तो आत्मा की जीवन मुक्ति की स्टेज कम हो जाएगी। 5000 वर्ष के ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट नहीं बजा सकेंगे। कौन
जिनमें योग बल की कमी होगी। योग की कमी बहुतों में है, ब्राह्मण जीवन में योग का पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन पहचान न होने के कारण, पूरी समझ न होने के कारण याद में कमी रह जाती है। पूरी याद में रह नहीं सकते हैं। बाबा अपने लिए भी बताता है क्या, मैं बहुत कोशिश करता हूँ भोजन करते समय आदि से अंत तक बाबा की याद में रहूं। क्या होता है, दो चार डिप्टी खाता हूँ और याद भूल जाती है। अब वो भोग चाहे मुख का भोग हो, चाहे कोई दूसरी कर्म इंद्रियों का भोग हो, कर्म इंद्रियां तो है ना, एक से एक पावरफुल कर्म इंद्रियां है। विकार जुड़े हुए हैं, सबसे कड़ा विकार कौन सा है, काम विकार। विकारी सुख तो भोगते हैं लेकिन याद टिकती नहीं। बाप कहते हैं कर्म करते मुझे याद करो, लेकिन याद टिकती ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, विकार आते हैं देह के संग से, कि विदेही से। विकार किसके किससे आते हैं, विदेही से आते हैं। विदेही माने शिव और देहधारी माने जो विकारी बनते हैं। देहधारियों की पैदाइश इस दुनिया में किससे हुई, विकार से हुई। तो बोला कि कर्म करते मुझे याद करना है लेकिन भूल जाते हैं। बाकी बच्चों की बातें सामने आ जाती है तो बाबा भी भूल जाते हैं। यह भी कमी समझते हैं और फिर उसके लिए खूब पुरुषार्थ करते हैं। कौन, ब्रह्मा बाबा। बत्ती में भी बुद्धि नहीं ठहरती है तो अपने को चिवटी पहनते थे। फिर ये ख्याल आता है कि बाबा की याद ही नहीं आती तो अपने को चिवटी काटते थे। याद ही नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। ला कहता है कि पिछाड़ी में याद में बैठे बैठे ही शरीर छोड़ रहे हैं। अगर बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया, स्वेच्छा से शरीर छोड़ दिया, इच्छा मृत्यु हो गई तो क्या फायदा होगा, है? इच्छा मृत्यु हो गई तो इस दुनिया के जंजाल से, इस कली हुई दुनिया से हमेशा के लिए छूट जाएगी। हमेशा का मतलब ऐसे नहीं कि 5000 वर्ष के तक के लिए छूट जाएंगे, माना लंबे समय तक मुक्ति हो जाएगी। याद में बैठे बैठे शरीर छोड़ना है,
शिव बाबा की याद में रहते प्राण तन से निकले। एक बाप के बिना और कोई को भी याद न करे, ऐसी आप भी बिचारी याद पक्की हो जाए, कहीं भी आसक्ति न हो, न देह में, न देह के संबंधियों में, न देह के पदार्थों में। तो ये प्रैक्टिस करनी होती है कि हम तो नंगे आए थे, नंगे वापस जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं कि बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण भी होने चाहिए। ये देहाभिमान का भूत होता है ना, जो दैवी गुण धारण नहीं करने देता, अपने पर बहुत ध्यान रखना है। अपने पर बहुत ध्यान रखना है माना आत्मिक स्थिति की स्मृति जाने न पाए, बहुत प्यार से चलना है, बाप को याद करना है और चक्र को याद करना है। चक्र का राज किसको समझाओ तो भी कोई बंडल खावेंगे, 84 जन्म तो कोई को याद नहीं रहते, तो 84 लाख योनियों में चक्कर कैसे काटेंगे? दुनिया वाले क्या कहते हैं कि 84 लाख का चक्कर है, और बाप कहते हैं 84 लाख योनियां तो है, लेकिन मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती नहीं है। मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है। हाँ, भक्ति मार्ग में जो भी बातें आई हैं, वो यादगार कहाँ की है? कैसे ये 84 जन्म और 84 लाख योनियों की बात कैसे यहाँ लागू होती है? ये हो सकता है कि जो पार्टधारी आत्माएं हैं, वो नंबर वार ऐसे पार्ट बजाती है कि जैसे 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पतंगे पार्ट बजाते हैं, ऐसा पार्ट बजाए सकती है। बाकी ऐसे नहीं कि उनके चोले ही बदल जाएंगे, माना स्वभाव संस्कार ऐसा हो सकता है, बंदर की तरह विकारी बन सकते हैं, लेकिन बंदर नहीं बनेंगे। देहाभिमानी सांडे की तरह देहाभिमानी बन सकते हैं, लेकिन सांडा नहीं बनेंगे। तो भक्ति मार्ग में यहाँ की जो बातें हैं संगम युग की, वो सब उठाई गई। संगम युग में माया बहुत प्रकोप करती है, बहुत हिलाती है, इतना हिलाती है कि जानवर से भी बदतर काम कराई लेती है, जैसे राक्षसी वृत्ति बन जाती है। शूटिंग हो रही है, 5000 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, उसमें उतरती कला और चढ़ती कला दोनों की शूटिंग होती है। चढ़ती कला की युग है सतयुग त्रेता, जहां देवताएं बनते हैं, देवता बनते ही है श्रीमत पर चलने से, मनुष्यों की मत पर चलने से अथवा मन मत पर चलने से असुर बन पड़ते हैं, राक्षस बन पड़ते हैं, जानवरों से भी बदतर बन पड़ते हैं। तो श्रीमत ये बहुत ऊंचा उठाने वाली है,
कोई को ख्याल में नहीं आ सकता कि मनुष्य आत्मा कैसे 84 लाख योनियों जैसे स्वभाव संस्कार धारण कर लेती है। कभी कोई स्वभाव संस्कार धारण कर लेती है, कभी कोई स्वभाव संस्कार धारण कर लेती है। जैसे सर्प की पूजा होती है भक्ति मार्ग, तो पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। तो क्या सर्प ने पवित्रता धारण की होगी? सर्प की तो बात ही नहीं। कोई मनुष्य ऐसे हुए हैं सर्प मिशन, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, जो शंकर जी से लिपटे हुए दिखाई जाते हैं। काम विकार की यादगार कमर में सर्प लिपटा हुआ है, क्रोध विकार की यादगार, लोभ विकार की यादगार दोनों भुजाओं में लपटे हुए हैं, मोह की यादगार गले में लटका हुआ है, और अहंकार की यादगार सर के ऊपर दिखाते हैं। तो क्या कोई ऐसे सर्प होते हैं जानवर जो शंकर जी के साथ लटके रहे हो? नहीं, वो मनुष्य आत्माएं हैं जो सर्प की तरह विकारी होती है। वो विकारी मनुष्य आत्माएं उनको वो अपने संग के रंग से निर्विकारी बनाता है, पतितों को पावन बनाता है, घबराता नहीं है। नहीं तो सन्यासी क्या करते हैं? स्त्री को ही नांग न कह के छोड़ के भाग जाते हैं। है खुद में कमजोरी, कहीं इनके संग के रंग से हम पतित न हो जाए, बुद्धि हमारी पूरी भ्रष्ट न हो जाए, इसलिए छोड़ के भागते हैं। लेकिन जो परमात्मा पार्टधारी है वो विकारी दुनिया को पवित्र बना करके जाएगा, छोड़ करके जाने वाला नहीं है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, ब्रह्मा बाबा सब शरीर छोड़ करके चले गए। इस विकारी दुनिया से, इस विकारी दुनिया के संग के रंग में रह करके विजय प्राप्त करके कोई भी नहीं गए। कोई भी काम विकार के ऊपर विजय प्राप्त करके नहीं गए। लेकिन एक ही स्वरूप का गायन है, वो कौन सा स्वरूप है जिसके लिए काम दहन की कथा आती है भक्ति मार्ग में? कथा आई है ना, क्या कामदेव को भस्म कर दिया? इतने बड़े बड़े ग्रेट धर्म पिताएं, वो भी काम विकार की दुनिया में आकर के अपने को उस दुनिया में मिक्स कर गए, पतित बन गए, कोई ऊपर नहीं जा सके। जैसे क्राइस्ट के लिए बोला है, क्राइस्ट इस समय कहां होगा? मुरली में बोला है, कहां होगा? जरूर इस दुनिया में कहीं बैगर के रूप में होगा। और उसके फॉलोअर्स कितने हैं? 150 करोड़ से भी ऊपर है फॉलोअर्स दुनिया में। इतनी महान आत्मा और वो बैगर बनी पड़ी हुई, तो पतित बन गई या पावन बन गई? पतित बन गई। इस दुनिया में बड़े बड़े आए और धूल चाट के चले गए, इस दुनिया को चेंज नहीं कर सके। वो एक ही परमपिता परमात्मा का पार्ट है प्रैक्टिकल में। क्या ऐसे नहीं ज्ञान सुनाया और सुना के चला गया? ज्ञान सुना के चला जाता है क्या? है? नहीं। और तो आते हैं
मुंह के गल्ले बजा करके चले जाते, शरीर भी छूट जाता है, दुनिया परिवर्तन नहीं होती, खुद को भी परिवर्तन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो धर्म है, धर्म के नाम पर अधर्म बन चुके हैं, तामसी बन चुके हैं, उन अधर्मों का विनाश नहीं कर पाते। जो पुराने पुराने रीति रसम रवाज हैं हर धर्म में, जो समाज को नीचे गिराने वाले हैं, उनको नष्ट नहीं कर पाते। एक बाप ही ऐसा है जिसे एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ कहा जाता है। वो प्रैक्टिकल में हुआ है बाप कोई, ये हवा की बात है, कोई प्रैक्टिकल में हुआ है जिसकी यादगार में उसके नग्न चित्र आज तक भी दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में पूजे जाते हैं। ये जो इतनी विशाल रूप में पूजा हो रही है, उसका आधार क्या है? प्योरिटी। उसने वो प्योरिटी संसार के सामने प्रैक्टिकल में धारण करके दिखाई। जो कोई भी धर्म पिता, कोई भी महान आत्मा, कोई भी ऋषि मुनि ऐसी प्योरिटी धारण नहीं कर सके। क्या प्योरिटी? कौन सी प्योरिटी? नहीं, संपर्क, संसर्ग, संबंध में आते हुए, इंद्रियों के क्लोज कंटेक्ट में आते हुए, अमोघ वीर्य बनकर गिरा। एक का ही गायन है, अनेकों का गायन नहीं है। वो पावर उसे कैसे प्राप्त होती है? याद और सब्जेक्ट्स चाहे कच्चे रह जाए, लेकिन एक सब्जेक्ट में अगर 100% पास है तो सब सब्जेक्ट्स में उसे पास मार्क्स मिलेंगे या फेलियर हो जाएगा? पास मार्क्स। गैन है योग बल से, विश्व की बात से, सिर्फ योग बल से विश्व की बात सही पा लेता है। चित्रों में शंकर जी को कहीं भाषण देते हुए दिखाया है? नहीं दिखाया। भागदौड़ की कोई सेवा करते हुए दिखाया? कोई भी कर्म करते हुए दिखाया? क्यों? विष पीते हुए नहीं दिखाते हैं? दिखाते तो हैं, लेकिन वो चित्रकार ने चित्रकारी ऐसी की है जो सबकी समझ में आने वाली नहीं है। वो विष पीने की प्रक्रिया मनुष्य कोई जानवर मिसल सबके सामने नहीं करते हैं। ये सबके सामने देखने की चीज है क्या? नहीं। बाकी गायन है कि शंकर ने विष पिया तो किसकी पैदाइश हुई? बिच्छू टिंडन पैदा हो गए। अरे ऐसा काम क्यों किया? अगर परमात्मा पार्टधारी है तो बिच्छू टिंडन जैसे मनुष्य क्यों पैदा किए? प्रजापिता के बारे में ये बात आती है कि उन्होंने यज्ञ रचा और उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए उन्होंने रुद्र तैयार कर दिए और उन्होंने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया।
तो ये कथाएं कहाँ की है? इतना अच्छा कार्य है यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ को उन्होंने विध्वंस कर दिया। लेकिन यज्ञ कैसा हो रहा था? सारी दुनिया को आमंत्रित किया गया और किसको आमंत्रित नहीं किया गया? शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया गया, जो विश्व का पिता है उसको आमंत्रित नहीं किया गया और सारी दुनिया को आमंत्रण दिया गया। तो ये धर्म का कार्य ईर्ष्या देश से रहित होकर के हुआ या ईर्ष्या देश से भरा पूरा हुआ? क्या कार्य हुआ? ईर्ष्या देश से भरा पूरा कार्य हुआ, उसे धर्म का कार्य कहेंगे? आत्मिक स्थिति का कार्य कहेंगे? आत्मा आत्मा भाई भाई का कार्य कहेंगे? तो ये धर्म हुआ या अधर्म हुआ? इसलिए शास्त्रों में प्रजापति को बकरे की दाढ़ी दिखाई। बकरा माने मैंने किया मैं करने वाला हूँ। ये अहंकार का उच्छेदन करना जरूरी है। दुनिया में इतने इतने धर्म पिताएं हुए, इतने बड़े बड़े धर्मों की स्थापना की, मठ पंथ स्थापन हुए, मैं करते करते चले गए और उनके फॉलोअर्स भी मैं कर रहे हैं, मैं करूंगा इस दुनिया को स्वर्ग मैं बनाऊ। जैसे गांधी जी क्या कहते कहते चले गए, राम राज्य स्थापन करें, और बेहद के गांधी जी ब्रह्मा जी क्या कहते कहते चले गए, स्वर्ग स्थापन करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और बीच में ही प्राण छूट गए। और स्वर्ग की जगह और क्या, नरक ही स्थापन हो गया। तो धर्म के नाम पर धतिंग स्थापन हुए पड़े हैं दुनिया में, अंधश्रद्धा अंधविश्वास युक्त कर्म हो रहे हैं। उन अंधश्रद्धा अंधविश्वास का उच्छेदन जब तक नहीं हुआ है, उन अधर्मों का नाश नहीं हुआ है, उन अधर्मियों का नाश जब तक नहीं हुआ है, तब तक नई दुनिया की स्थापना संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। और ये कार्य कोई ने भी नहीं किया। धर्म पिताएं आए, अपने अपने धर्म की धारणाएं स्थापन कर दी और धारणाएं स्थापन करके चले गए। पुरानापन खलास नहीं हुआ और नए धर्म नया नया धर्म स्थापन करके चले गए। कोई घड़ा हो उसमें 4-6-10 बूंद विष का रखा हुआ हो और उसमें दूध पे दूध डालते चले जाओ, नए नए घड़े उड़ेल दो, तो क्या बना रहेगा? विष का विष ही बना रहेगा। इस दुनिया में से जब तक पाप का पूरा उच्छेदन नहीं होता, पापियों का पूरा उच्छेदन नहीं होता, अधर्म का पूरा नाश नहीं होता, तब तक सत धर्म की सतयुगी दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। और ये तभी हो सकता है जब योग बनो। योग अर्थात लगाव, लगन, प्रीति, अटैचमेंट। किसी के साथ अटैचमेंट होता है ना तो खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। उसको कुछ अच्छा अच्छा खाने पीने को दो, 36 प्रकार के भोजन बनाने के, तो वो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि दिल लगी है दूसरी तरफ, तो कोई चीज में मन नहीं लगता। भक्ति मार्ग में याद करते हैं, जान बजाएंगे, मृदंग बजाएंगे, मजीरा बजाएंगे, मुख से चिल्लाएंगे, गीत गाएंगे, कोई सोचता है कि याद करने के लिए इन चीजों की जरूरत है? ये आर्ट
आर्टिफिशियल याद है या ओरिजिनल याद है? आर्टिफिशियल याद है। बेसिक नॉलेज में भी मुरली में बोला गया ये जो टैप रिकॉर्डर है ये बहुत अच्छी चीज है, इसलिए एक्यूरेट बात सुनाती है। माने बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने जो बोला उसको एक्यूरेट सुनाएगा, कुछ भी काट छांट नहीं होगी। तो हर बच्चे को जिसके पास पैसे है वो अपने पास टैप रिकॉर्डर रखना चाहिए। नाजुक चीज है, थोड़ा संभाल से रखनी पड़े, तो दूसरों की बड़ी अच्छी सेवा होगी। ओरिजिनल बाबा की वाणी सुनने को मिलेगी। लेकिन फिर हुआ क्या, जो भक्त किस्म की आत्माएं दूसरे दूसरे धर्मों की यज्ञ में घुसी हुई है उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बाबा की वाणी सुनाई, बाबा की वाणी सिक्योर करके रखी, सुरक्षित करके रखी, या गीत और मृदंग मजीरा बजाना शुरू कर दिया उसमें, कोई आर्टिफिशियल याद शुरू हो गई। जैसे भक्ति मार्ग में आर्टिफिशियल थे वैसे ज्ञान मार्ग में भी आर्टिफिशियल हो गए। तो याद कच्ची हुई या पक्की हुई? है तो कच्ची याद हो गई। जिससे लगन लग जाती है, जिससे प्यार हो जाता है, स्नेह हो जाता है, लगाव हो जाता है, उसकी याद के लिए कोई आधार की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक याद आती है। याद आती नहीं है, याद सताती है। समस्या ये नहीं होती कि याद कैसे करें, समस्या क्या होती है याद कैसे भूले, ऐसी स्थिति हो जाती है। और अभी क्या है, बाबा रोज रोज मुरलियों में बोलते रहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, लेकिन याद स्थायी होती क्यों नहीं है? हिसाब किताब है, कृष्ण जन्म के हिसाब किताब सामने आते हैं, उस जन्म के हिसाब किताब सामने आते रहे, ये कब तक आते रहेंगे? माना हिसाब किताब जब खत्म हो जाएंगे, पूर्व जन्म के पापों के हिसाब किताब जब खत्म हो जाएंगे तब याद आएगी। इसका मतलब ये बात झूठी हो गई कि परमात्मा की याद से पूर्व जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं, है? याद क्यों भूल जाती है? श्रीमत पर श्रीमत पर याद नहीं, हाँ क्यों, प्यार क्यों नहीं है? देहधारियों से प्यार क्यों हो जाता है जो अल्पकाल की प्राप्ति कराते हैं? परमात्मा को पहचाना नहीं। हाँ, असली बात यह है कि परमात्मा बाप मैं जो हूँ, जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ उसको उसी रूप में कोई ने पूरा पहचाना नहीं है। अगर पूरी पहचान हो जावे तो बुद्धि ऐसी लटक जावेगी कि बुद्धि से याद छूट गई है। जैसे अभ्यक्तवाणी में बोला क्या, समस्या ये न हो कि याद भूल जावे, समस्या ये कि याद भूले कैसे। अभी तो देवानी ही नहीं छूटता, आत्मिक स्थिति की जो हम ओरिजिनल रूप में हम हैं आत्मा, वो रूप ही याद नहीं रहता। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, ये स्मृति 24 घंटे में कितनी रहती होगी? 70 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते, चौबीस घंटे में कितनी याद ठहरती होगी? बाबा
कहते हैं 8 घंटे अगर बीज रूप की स्टेज में टिक जाए, बीज माने बिंदु, तो पुरुषार्थ समझो पूरा हो गया, अष्ट देवों के लिए आ जाएंगे। तो अभी कितना हो रहा है? अरे कोई तो बोलो, हैं? 8 घंटे की जगह कितना हो रहा है? हैं? बाबा तो लक्ष्य देते हैं निरोगी कंचन काया बनेगी 8 घंटे याद पूरी होने पर। ये काया जो है ना शरीर, इसमें जो भी रोग शोक है वो सब खलास होने लगे, क्योंकि बीज सुधर जाएगा, आत्मा ज्योति बिंदु एकाग्र हो जाएगी, तो इसका शरीर रूपी वृक्ष भी सुधर जाएगा। तो 70 साल में तो हम कितने पहुंचे, एवरेज कितने पहुंचे होंगे? हैं? कोई निरोगी बन रहा है? हैं? ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ते छोड़ते गए, जिस दिन शरीर छोड़ा उस दिन भी खांसी ने पकड़ लिया। अच्छा उनकी बात छोड़ दो, एडवांस पार्टी में आ जाओ। एडवांस पार्टी में मुखिया कौन है? कौन है? एडवांस पार्टी, एडवांस पार्टी का तथाकथित ब्राह्मणों ने क्या नाम रखा है? शंकर पार्टी। शंकर पार्टी नाम रखा है तो कोई शंकर भी होगा ना, मुखिया हुआ ना, तो उसका क्या हाल? जिसको शंकर कहते हैं उसका क्या हाल है? कोई बीमारी है या नहीं है? कंचन काया बन गई है? क्या है बड़ी बीमारी जो आधुनिक बीमारी है? कौन सी आधुनिक बीमारी है? आज की दुनिया के लोगों को जो बीमारी पकड़ती है वो बीमारी है। नहीं याद आ रही है? ब्लड प्रेशर। तो ये भी बीमारी है ना? वैद्य लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं होती, बीमारी कोई दूसरी होती है, अगर वो दूसरी बीमारी हटा दी जाए तो ब्लड प्रेशर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये आधुनिक बीमारी है। विदेशियों को पहले पकड़ा, क्योंकि मुरली में बोला बाप इस समय विदेशी बनकर के आते हैं। क्या विदेशी? बाप क्या बनकर के आते हैं? विदेशी बनकर के आते हैं। तो विदेशी बनकर के आए तो बीमारी भी कौन सी पकड़ेगी? विदेशी बीमारी पकड़ती है। साधारण तन में आते हैं ना, साधारण तन में आते हैं तो कर्म भी कैसे करेंगे? साधारण कर्म ही करेंगे। तो उनको भी जो एडवांस पार्टी की बड़ी से बड़ी हस्ती है उसको भी बीमारी पकड़ती है। अब क्या कारण है क्यों पकड़ती है वो एक अलग बात, वो तो बता दिया। क्या बाप और दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं? बाप कौन और दादा कौन? राम कृष्ण, राम वाली आत्मा। बाप राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। ऐसे कहीं मुरली में बोला कृष्ण बाप को कहा जाता है, राम बच्चे को कहा जाता है? कहीं बोला मुरली में? नहीं बोला। माने राम वाली आत्मा जो है वो बाप के रूप में पाठ बजाती है, मनुष्य सृष्टि का बाप। और कृष्ण वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि की शुरुआत में ही अव्वल नंबर का प्रिंस अर्थात बच्चे का पाठ बजाती है। तो ये दोनों आत्माएं अभी ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में मौजूद है। बल ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो भी कोई न कोई बच्चे में प्रवेश करके पाठ बजाती है। ब्रह्मा को सितारा कहा जाता है, सूर्य कहा जाता है या चंद्रमा कहा जाता है? चंद्रमा कहा जाता है। ब्रह्मा की आत्मा
संपूर्ण हो गई या अधूरी है? अधूरी, अभी भी अधूरी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के बंधन में है। सूक्ष्म शरीर का बंधन भी है तो भी अधूरापन कहेंगे, संपूर्ण नहीं, नहीं कहेंगे। सूक्ष्म शरीर का भी बंधन खत्म हो जाए, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज बन जाए, तो वो अधूरा चंद्रमा जिस ब्राह्मण के अंदर प्रवेश करके पाठ बजाता है, उसकी यादगार में शंकर के मस्तक में क्या दिखाते हैं? अर्धचंद्र दिखा, अर्धचंद्रमा। वो संपन्न आत्मा नहीं है, इसलिए क्यों नहीं है संपन्न? अभी तक भी संपन्न क्यों नहीं है? क्योंकि अभी एडवांस की पढ़ाई उसकी भी पूरी नहीं हुई है। कृष्ण की आत्मा भी इस समय पढ़ाई पढ़ रही है, कृष्ण बच्चा है, इसके द्वारा पढ़ रही है। जो बाप टीचर सदगुरु का एक ही व्यक्तित्व का पार्ट है, क्या मैं बाप भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं सदगुरु भी हूँ, एक ही रूप से तीनों हूँ, ये नहीं कहा मैं माँ भी हूँ। किसी मुर्गी ने बोला क्या कि मैं माँ भी हूँ, मैं बाप भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं सदगुरु भी हूँ? माँ नहीं बोला, इसका मतलब माँ का पार्ट अलग, उसका नाम ही है ब्रह्मा। क्या ब्रह्मा? ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ। शास्त्रों में जो भी शब्द है वो अर्थ सहित शब्द है, जैसा काम वैसे नाम पड़े। शास्त्रों में ऐसे ही नाम थोड़े रखे गए। तो ब्रह्मा के रूप में, माँ के रूप में जिसने सहनशीलता पूर्वक पार्ट बजाया, भले अपना हार्ट फेल हो गया लेकिन बच्चों को दो शब्द कभी भी नहीं बोले। इतनी सलोनी माँ का पार्ट दुनिया में और किसी ने बजाया होगा क्या? कृष्ण की सोल के द्वारा ये पार्ट चला, क्योंकि उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करके वो माँ का पार्ट बजा रहा था। तो माँ का पार्ट था बाप टीचर और सदगुरु का पार्ट नहीं। बाप का काम होता है आदि में बीजारोपण करना, ज्ञान का बीजारोपण ब्रह्मा के द्वारा नहीं हुआ। ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए लेकिन वो तो परेशान हो गए, गुरु से पूछा उसने मना कर दिया, वाराणसी में गए विद्वान पंडित आचार्यों से, उनको संतुष्टि नहीं हुई तो भटकते रहे। इसका मतलब साक्षात्कार होना कोई ज्ञान होना, ज्ञान का बीजारोपण नहीं हुआ। ज्ञान का बीजारोपण तब हुआ जब अपनी गद्दी पर पहुंचे कलकत्ते। जिन बच्चों के लिए बोला है मुरली में, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, वो बच्चे अभी यज्ञ में नहीं है, कारण या कारण चले गए, राम फेल हो गया, बोलते ही नहीं। तो वो आत्मा जो यज्ञ के आदि में जिनमें पहले पहले शिव ने प्रवेश करके बाबा के ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का अर्थ खोला था, वो ही ज्ञान का बीजारोपण हुआ ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में, क्योंकि प्रैक्टिकल में साक्षात्कार हुए थे। ये पक्का बैठ गया मैं कृष्ण बनने वाला हूँ, क्योंकि कृष्ण का साक्षात्कार उनको हुआ। मैं विष्णु बनने वाला हूँ, क्योंकि विष्णु का साक्षात्कार उनको हुआ। इस दुनिया का विनाश होने वाला है, विनाश का साक्षात्कार हुआ तो भले रो पड़े लेकिन साक्षात्कार तो उन्हीं को हुआ ना, उस व्यक्ति को तो नहीं हुआ जिसके द्वारा ये साक्षात्कार होगा। ऐसे खोला गया, ज्ञान का बीज डाला गया, तो बीजारोपण करने वाला पिता है। इसलिए संस्कृत वाली गीता में भी आया, अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। काहे का बीज? ज्ञान का बीज बोए, वो ज्ञान का बीज बोने वाला बाप यज्ञ के आज में ही चला गया बीज बोकर, क्योंकि आज में जो पार्ट है वो काम खत्म हुआ तो रहकर के क्या करेगा।
बीज डाल दिया गया धरणी में, धरणी माने माता, माता माने ब्रह्मा। अब वो बीज है वो तो पैदा हुआ कि नहीं, तो पलब गया। सन 68 तक ब्राह्मणों की ढेर पैदाइश हो गई उस बीज से। ब्रह्मा से कौन की किसकी पैदाइश होती है? ब्रह्मा से ब्राह्मण निकले मुख से, मुख का ज्ञान सुनकर। हाँ, ये बात दूसरी है, कोई कुखवंशावली बने कोई मुखवंशावली बने, कोई ने मुख से निकले हुए ज्ञान को प्रियोरिटी दी, महत्व दिया। जो मुख से मुरलियां निकली उन मुरलियों को अपने जीवन की लाठी बनाया, और कोई ने मुख से निकली हुई वाणी को अपने जीवन की लाठी नहीं बनाया, ब्रह्मा बाबा के शरीर को लाठी बनाया। ब्रह्मा बाबा के शरीर को चेहरे को ही देखते रहते थे, ज्ञान ज्ञान सुनने जैसे भूल जाते थे। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो भी यज्ञ की दुनिया में प्रॉपर्टी इकट्ठी हुई उसके ऊपर उनकी नजर थी, नजर थी। तब तो वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बाबा की जानकारी के बगैर बना लिया, बाबा को हवा तक भी नहीं लगने दी और वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट तैयार हो गया। उस वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के आधार पर ये सारी संस्था जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय वो चल रहा है। वो वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट का अगर भंडाफोड़ हो जाए तो पूरी संस्था अभी अपंग हो जाएगी, लेकिन वो तो ड्रामा बना हुआ है। शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या कि दुर्योधन आया भगवान से मांगने, और अर्जुन भी आया भगवान से मांगनी मांगने। क्या मांगा अर्जुन ने? मांगा वो दुर्योधन ने नहीं मांगा। दुर्योधन ने मांगा हमें आपका धन संपत्ति सेना महल माणिया अटारियां राज्य सब चाहिए, तब हम जीत के दिखाएंगे। ये धर्म युद्ध और कर्म युद्ध। और अर्जुन ने क्या कहा? प्रभु हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए। अलफ को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को दे दी। देखिए कि आज में दोनों ही भागीदार थे ना, कौन? ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, उन्होंने अपनी धन संपत्ति लगाई दुकान में, और जो भागीदार था उसने अपना तन और बुद्धि लगाई। जो रत्नों की दुकान थी उसे चलाने के लिए, तो भागीदार तो दोनों हुए ना। तो रेल का राही कौन हो गया? उस समय की बात है यज्ञ की आदि की। अलफ कौन हुआ? जो आज में भी खड़ा हुआ था अंत में भी खड़ा हुआ है, और अंत तक जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं होगी, पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा, तब तक खड़ा रहेगा। खड़े हुए डंडे को कहा जाता है अलफ। बिंदु अलग चीज, बिंदु को कहा जाता है नुक्ता। बिंदु कौन है, अलफ कौन है, और बे कौन है? बे माना पड़ा हुआ डंडा, उर्दू में है अलफ। बिंदु को नहीं कहा जाता, खड़े डंडे को अलफ कहा जाता, बिंदु को नुक्ता कहा जाता, पड़े डंडे को बे कहा जाता है। तो पुरुषार्थ करते करते कौन पड़ गया और कौन अंत तक खड़ा रहता है, और कौन अंत तक बिंदु का बिंदु ही बन करके रहता है, और बिंदु बन करके ही वापस चला जाता है, फिर इस दुनिया में वापस नहीं आता, कौन है? शिव है ज्योति बिंदु, अलफ है राम वाली आत्मा, और बे है कृष्ण वाली आत्मा।
तो ये तीन जो बातें बताई अक्षर अलफ को मिला अल्लाह बे बादशाही सारी भागीदार को दे माना ब्रह्मा बाबा को यज्ञ की सारी संपत्ति सारा कारोबार उनके हाथ में सौंप दिया और खुद रास्ता लिया क्या समझ के अरे हमें तो भगवान मिल चुका मैं तो परमात्मा बाप का मुकर्रर रथ हूँ दो रथों की बात की है बुढ़िया में कौन कौन से दो रथ मुकर्रर रथ और टेम्परेरी टेम्परेरी माने आग है कल नहीं कल नहीं रहेगा और मुकर्रर माने आज भी है रहेगा बीच में भी रहेगा और अंत में भी रहेगा उसको कहते हैं मुकर्रर तो ब्रह्मा का पार्ट है तो तीन मूर्तियां ना किसकी तीन मूर्तियां हैं अरे ये तीन मूर्तियां हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर ये किसकी तीन मूर्तियां हैं शिव की तीन मूर्तियां हैं मुरली में तो बोला है त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना चाहिए सिर्फ शिव जयंती नहीं कहना है शिव माने बिंदु बिंदु तो आत्मा का नाम है मेरी आत्मा का ही नाम शिव है वो कभी बदलता नहीं जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है कृष्ण के अंतिम चोले में प्रवेश करते हैं तो नाम पड़ता है ब्रह्मा राम के अंतिम चोले में प्रवेश करते हैं तो नाम पड़ता है शंकर नाम बदल जाता है तब जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो एक ही सुप्रीम सोल तीन मूर्तियों के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है ब्रह्मा के रूप में और बीच में शंकर के रूप में और अंत में विष्णु के रूप में पालना करने के लिए नहीं हुए ये तीन मूर्तियां हैं जो विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण हमारा आज तक भी झंडारोहण करते हैं तो गाते हैं क्या सारा भारत गाता है क्या गाता है झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा क्या तो कपड़े का झंडा विश्व विजय करेगा क्या है कोई चैतन्य तीन मूर्तियां होनी चाहिए ना जो तीन मूर्तियां संसार में विश्व विजय का झंडा फहराती है ये कपड़े का झंडा तो चाहे जितने फहरा लो चाहे जितनी बिल्डिंगे बना लो और कपड़े का झंडा फहरा लो ये तो आसान है लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का झंडा फहराना ये आसान काम नहीं है क्या उन तथाकथित ब्राह्मणों का बड़े से बड़ा जो नहीं बड़े से बड़ा महारथी जो गाया जाता था कौन नहीं प्रकाश मणि दादी को तो लकब उसने दिया मुख्य प्रशासिका वो चाटुकार हुए अब जैसे हर धर्म होता है ना तो हर धर्म में बड़े बड़े गुरुओं को के चाटुकार होते हैं वो उनको लकब दे देते हैं लेकिन बड़ा पुरुषार्थी कौन था जो ज्ञान में बड़ा महारथी माना जाता था जगदीश भाई वो जगदीश भाई भी शरीर छोड़ते छोड़ते कह गए क्या अपने कवाणी में बोला है कि मेरी एक आस रह गई क्या कि मैं बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सका फिर कौन प्रत्यक्ष करेगा अरे कौन झंडारोहण करेगा झंडा बुलंद करना सामने संसार के यही बाप की प्रत्यक्षता है झंडे में कितने कपड़े हैं तीन कपड़े हैं नीचे का कपड़ा हरा कहते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है क्या श्रावण मास होता है ना तो बरसात खूब होती है खूब बरसात होती है तो ज्यादा बरसात होगी तो चारों तरफ क्या हो जाएगा हरियाली हरियाली हो जाती
और हरियाली के दिनों में अगर कोई अंधा हो जाए तो उसे क्या दिखाई पड़ेगा? भले गर्मी के दिन आ जाए तो भी क्या दिखाई पड़ेगा? हरा ही हरा दिखाई पड़ेगा। सतयुग आएगा, स्वर्ग आएगा, राम राज्य आएगा, ये आएगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, और होते होते हुआ कुछ भी नहीं। जैसे हद के गांधी जी कहते थे तो वो तो हद के गांधी जी की बात है, लेकिन फिर भी सहनशीलता का जैसा पार्ट बजाया, ऐसी सहनशीलता का पार्ट दुनिया में कोई भी बजा नहीं सकता। मां के रूप में तो उन्होंने हक अदा करके दिखाया। बल सुप्रीम सोल का वो करिश्मा था, आत्मा का करिश्मा नहीं था, लेकिन निमित्त तो कोई बना ना। जो निमित्त बनता है उसका नाम बाला होता है। तो मां के रूप में जो पार्ट बजाया वो प्रशंसनीय पार्ट उनका हरे रंग के रूप में दिखाया जाता है। कपड़ा मन शरीर रूपी बस, और उसके ऊपर है सफेद बस। सफेद बस किस बात का सूचक है? प्योरिटी का सूचक है और सात्विकता का सूचक है। दुनिया का कोई रंग नहीं क्या? शुभ्र। और तीसरा कपड़ा लाल रंग। लाल रंग मान केसरिया रंग जिसे कहते हैं, का मतलब क्या है? खूनी क्रांति। क्या हिंसक क्रांति? खून होता है तो हिंसा हो जाती है। खून भी दो तरह का होता है, एक हद का खून जो शरीर के अंदर हद का खून है, और एक होता है बेहद का खून। बेहद का खून संकल्पों का खून। आत्मा के अंदर अच्छे और बुरे, मन काले और सफेद, दो तरह के संकल्प दौड़ते रहते हैं। जैसे शरीर के अंदर 16,000 नसें नाड़ियां हैं, आधी नसें नाड़ियां काला खून बहती हैं और आधी नसें नाड़ियां शुभ रहती, शुद्ध खून बहती हैं। इस शरीर के अंदर ही 16,000 नसें नाड़ियां हैं, तो ये तो सारा विश्व है। इस विश्व के अंदर विराट पुरुष भगवान की 16,000 नसें नाड़ियां हैं। वो चैतन्य है या जड़ वाली है? चैतन्य नसें नाड़ियां हैं। उनमें आधी नसें नाड़ियां लेफ्टिस्ट है, माने काला खून बहाने वाली, संकल्पों का गंदा खून बहाने वाली। श्रीमत के अनुकूल संकल्प नहीं चलाती है, देहवान के संकल्प चलाती है, माना कुख वंशावली है। उन्हें ब्रह्मा की गोद ही याद आती है, या तो ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारों की गोद याद आती है। ज्ञान के पॉइंट उनकी बुद्धि में रमण नहीं करते। और आधी नानियां ऐसी है जो ज्ञान के पॉइंट्स में रमण करने वाली है। क्या कोई देहधारी का चिंतन करने वाली नहीं है? अगर आता भी है चिंतन तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, उसे छूटना चाहती है। पुरुषार्थ ऐसा करती है कि वो छूट जाए, जल्दी छूट जाए। तो ये चैतन्य 16,000 नसें नाड़ियां ब्राह्मणों की दुनिया में अभी कार्य कर रही है। वो खून जो नसों में बहता है, नाड़ियों में बह रहा है, दो तरह का खून बताया। वो खूनी क्रांति नहीं करता है। पहले पहले शिव जिस लाल वस्त्र रूपी शरीर के अंदर पार्ट बजाता है सब धर्मों का विनाश करने के लिए, अंधश्रद्धा अंधविश्वास का हनन करने के लिए पार्ट बजाता है, भक्ति को खलास करने का पार्ट बजाता है, वो शिव खूनी क्रांति नहीं कराता है। कौन सी क्रांति कराता है?
ज्ञान की क्रांति कराते हैं। माना संकल्पों का खून, जो दुष्ट खून बह रहा है, उन दुष्ट खून बहने वालों का नाश होता है, वो ज्ञान में से टूट पड़ते हैं, फिर बाद में भले खलास हो जाए। और जो श्रीमत पर चलते हैं वो शुक्र खून वाली नारी है, वो बने रहते हैं और नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी बनती है। जो काली माइया है क्या भक्ति मार्ग में दो तरह की देवियां खास दिखाई है, एक गौरी महागौरी और दूसरी काली और महाकाली, दिखाते हैं ना कि वो नारियों का रूप है। काले कर्म करने वाली संसार को ये दिखाएंगे सफेद वस्त्र पहन करके, हम बड़े शुभ हैं, बड़े पवित्र हैं, और अंदर से घुट रहे हैं जैसे वैश्याएं घुटती रहती हैं, ऐसे जिंदगी बन गई है। तो काले कपड़े वाली हुई या शुभ्र कपड़े वाली हुई, जैसे मुसलमान औरतें क्या पहनती है, बुर्का है, काला बुर्का, काला बुर्का पहनती है। तो ऐसे अंदर से दिल काला हुआ पड़ा है। बाप कहते हैं मुझे वो बच्चा प्रिय है जो अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाला, अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है जो 100% अपना सच्चा पोता मिल देता है। इसका मतलब नंबर वार भी होंगे, तो जो नंबर वार है उन नंबर वार की लिस्ट में कोई 50% भी होंगे सच्चा पोता मिल देने वाले, तो पास की लिस्ट में गिरे जाएंगे या झूठ की लिस्ट में। अरे 33% में भी पास हो जाते हैं क्या, 66% कोई गलत पोता मिल दे और 33% सच्चा दे तो भी बाप का अरमान रहता है, उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल सच्चे बन जाएंगे, सचखंड में जाने लायक बन जाएंगे। तो बोला ये तिरंगा झंडा फहराना माने बाप को प्रत्यक्ष करना, ये काम उन बच्चों का होगा जो योग बल में बहुत तीखे होंगे। तो बहुत प्यार से चलना है, अपने पर ध्यान देना है, बाप को याद करना है, चक्र को याद करना है। चक्र का राज तो किसको समझाओ तो बंडल खा देगा। 84 जन्म कोई को याद नहीं रहते हैं, फिर 84 लाख योनियों की तो बात हो ही नहीं सकती, ध्यान में भी नहीं आ सकता है। इस चक्र को याद रखो तो अहो सोबत, अभी तो नाटक पूरा होता है, अभी वैराग आ जाना चाहिए। पूरा पूरा वैराग आवेगा तो भक्ति का अंत हो जाएगा।